by 3 convolutional encoder. The generator is same, okay, just the there are 4 parts and 4th part is different. Baki 1, 2, 3 part are same, that is the encoder, design of encoder, state diagram and trellis diagram. Fourth part is the output of demodulated detector is this, and using the Viterbi algorithm, that is we have to find the transmitted sequence, जो हमारा input जो हम apply करेंगे encoder के input पे, ठीक है, it will be the actually transmitted sequence या message sequence भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमको find करना है, ठीक है, तो using the Viterbi, so first we will use the trellis diagram ही है ये, ठीक है, in the trellis diagram we will add some more information, that is the branch metric and the path metric. ठीक है, ब्रांच मैट्रिक एंड द पाथ मैट्रिक. तो व्हाट इज द ब्रांच मैट्रिक? द ब्रांच मैट्रिक इज द डिफरेंस ऑफ रिसीव्ड सीक्वेंस एंड द सीक्वेंस ऑफ आउटपुट ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांच. सो ये हमारी रिसीव्ड सीक्वेंस है. सबसे पहले तो रिसीव्ड सीक्वेंस को हम ब्रेक करेंगे 3-3 बिट के ग्रुप्स में, तो 101, 001, 011, 110 एंड 11. तो जो भी हमको पहला मिल रहा है उसको हम यहाँ पर फर्स्ट पोजिशन पे प्लेस करेंगे. उसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जितनी भी ब्रांच बनेंगी, जितनी भी आपको ग्रुप मिलेंगे 3-3 बिट के. नाउ द डिफरेंस ऑफ रिसीव्ड सीक्वेंस, ये हमारे रिसीव्ड सीक्वेंस है, और ब्रांच पे जो आउटपुट सीक्वेंस है उसका डिफरेंस क्या रहेगा? पाथ मैट, उसको बोलेंगे ब्रांच मैट्रिक. ठीक है, सो ब्रांच मैट्रिक कैसे, यहाँ पे देखो 101, यहाँ पर 000, तो कितने बिट का डिफरेंस है? 2 बिट का डिफरेंस है. तो दैट इज यहाँ पे जो सेंटर वाली बिट है वो दोनों 00 है, लेफ्ट और राइट में जो है 11 है, तो 2 बिट अलग अलग है, तो ब्रांच मैट्रिक विल बी 2. उसी तरह से यहाँ पर सिंगल बिट का डिफरेंस है, तो ब्रांच मैट्रिक विल बी 1. उसी तरह से 000 और 001 में कितने बिट का डिफरेंस है? सिंगल बिट का, तो ब्रांच मैट्रिक विल बी 1. सिमिलरली फॉर दिस 111 इज देयर एंड 001 इज देयर, तो बिट डिफरेंस इज ऑफ 2, सो ब्रांच मैट्रिक विल बी 2. सिमिलरली फॉर दिस 011 एंड 00, 2 बिट का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 बिट का, एंड दैट्स हाउ वी विल फाइंड फॉर ईच ब्रांच, वी विल फाइंड द ब्रांच मैट्रिक. ठीक है, सो इट इज द ब्रांच मैट्रिक फॉर ईच ब्रांच, दैट इज ए टू बी आपको मिल गया, बी टू सी, बी टू डी, सिमिलरली सी टू ए, सी टू बी एंड डी टू सी एंड डी टू डी. ठीक है, सारे ब्रांच के लिए हम, सारे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे सबके लिए हम ब्रांच मैट्रिक फाइंड करेंगे. ठीक है, ये हो गया हमारी पहली स्टेप. नाउ सेकंड स्टेप, द फाइंड द नोड मैट्रिक, या नोड मैट्रिक का अलग नाम है पाथ मैट्रिक, दोनों नाम अलग. ठीक है, नोड मैट्रिक भी बोल सकते हैं, पाथ मैट्रिक बोलते हैं. ठीक है, व्हाट इज द पाथ मैट्रिक और नोड मैट्रिक? सो पर्टिकुलर नोड तक के जितने भी टोटल मैट्रिक रहेगा उसको हम बोलेंगे नोड मैट्रिक या पाथ मैट्रिक. ठीक है, जैसे कि इस नोड पर स्टार्ट से लेके इस नोड तक के जितना भी मैट्रिक रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एक ही मैट्रिक है विच इज 2, तो द नोड मैट्रिक या पाथ मैट्रिक ऑफ दिस नोड इज 2. उसी तरह से यहाँ नोड पर शुरू से लेके स्टार्ट से लेके यहाँ तक j = 0 से करंट नोड तक के, मतलब यहाँ तक के कितना मैट्रिक है? 1 है. सो नोड मैट्रिक विल बी 1. ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली वी विल फाइंड द डिटेक्टेड सीक्वेंस. जी, हमारी जो डिटेक्टेड सीक्वेंस रहेंगी वो भी हम डिकोडेड सीक्वेंस है वो भी हम फाइंड कर लेंगे. तो व्हाट इज द डिकोडेड सीक्वेंस? डिकोडेड सीक्वेंस विल बी द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट पाथ मैट्रिक. लोएस्ट पाथ मैट्रिक जो जिसके लिए रहेगा, जिस ब्रांच के लिए रहेगा, वो हमारी डिकोडेड सीक्वेंस रहेंगी या डिकोडेड बिट्स रहेंगी. जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, याली नोड का पाथ मैट्रिक सबसे कम है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो विच इज लोएस्ट वन? 1. ठीक है, उसके लिए इनपुट क्या है? 1. ठीक है, इनपुट 1 है, तो ये हमारी रहेंगी डिकोडेड बिट. ठीक है, वो हमारी क्या रहेंगे? डिकोडेड. उसी तरह से दूसरी ब्रांच में आगे में जाएंगे, आगे में. ठीक है, सो हेयर दैट इज यहाँ पे 3 का सारा 2+1, 2+1 किए तो 3 हो गया. उसी तरह से याले नोड पे कितना मैट्रिक है? 2 है, 2+2 4. याले ब्रांच का मैट्रिक कितना है? 2 है, तो 2+2 4. ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस नोड, याले नोड पे देखो यहाँ पे नोड मैट्रिक कितना है? 1 है, और याली ब्रांच का मैट्रिक कितना है? 0, तो 1+0 1. उसी तरह से 1+3 4. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अगर हम नोड पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 3+2 5. ठीक है, उसी तरह से याले नोड पे कितना मैट्रिक है? 1, और याली ब्रांच का मैट्रिक कितना है? 1 0. ठीक है, सो ब्रांच मैट्रिक विल बी 1. ठीक है, 1+1+0 इज 1. सिमिलरली फॉर दिस नोड देर आर 2 मैट्रिक, यहाँ पर भी इस ब्रांच, इस नोड पर भी 2 मैट्रिक है, इस नोड पर भी 2 मैट्रिक है. ठीक है, ये चारों नोड पर 2-2 मैट्रिक मिलेंगे, तो वी हैव टू फाइंड बोथ ऑफ देम, दैट इज 5 एंड 1 4 एंड 4 5 एंड 5 6 एंड 6. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड विच इज द लोएस्ट पाथ मैट्रिक. तो लोएस्ट पाथ मैट्रिक कौन सा? ये वाला 1 है. उसके लिए हमारा इनपुट क्या है? ब्लैक कलर से हमने यूज किया. ब्लैक कलर किसके लिए यूज किया? इनपुट बिट 0 के लिए. ठीक है, सो द ट्रांसमिटेड बिट विल बी 0. ठीक है, उसी तरह जो आपको जो 0 मिला, उसी तरह हम आगे बढ़ते हुए पूरे बिट्स के लिए हम
पूरी रिसीव्ड सीक्वेंस के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, रिसीव्ड सीक्वेंस। ठीक है, अभी देखो इस नोड पर हम जा रहे हैं। ठीक है, तो याले नोड से याले नोड पर जाने के लिए हमको दो दो मैट्रिक लग रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में से